तो दोस्तों फाइनली रेडमी K30 चाइना में लॉन्च हो चुका है। और दोस्तों ये दुनिया का पहला फ़ोन होने वाला है जिसमें हमें डुअल 5G नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है। और दोस्तों जो इसका प्राइसिंग रखा गया है वो बहुत ही कम होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी K30 के बारे में। और दोस्तों साथ ही में बात करेंगे इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और इंडिया लॉन्च डेट के बारे में भी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडमी K30 के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि दोस्तों डुअल पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा। और वहीं पर अगर बात करें दोस्तों इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 765 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों बहुत पावरफुल प्रोसेसर होता है। और ये प्रोसेसर डुअल 5G नेटवर्क के साथ आता है, तो यार प्रोसेसर तो बहुत ही कमाल का होने वाला है इस फ़ोन का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फ़ोन के कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 64 MP का क्वाड्रर कैमरा, जो कि दोस्तों सोनी IMX686 के सेंसर के साथ आने वाला है। और दोस्तों ये वर्ल्ड का पहला फ़ोन होने वाला है जिसमें हमें सोनी IMX686 का सेंसर मिलने वाला है, और उसके साथ ही 8 MP का एक सुपर वाइड एंगल लेंस और 5 MP का एक माइक्रो लेंस और 2 MP का एक डेप्थ सेंसर मिलने वाला है। तो यार कैमरा नो डाउट बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में हमें सोनी IMX686 का सेंसर मिलने वाला है। तो यार कैमरा तो बहुत ही कमाल का होने वाला है इस फ़ोन का। और दोस्तों मैं भी बात करें इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिसका दोस्तों मेन सेंसर होगा 20 MP का और 2 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फ़ोन के बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको 4500 mAh का बैटरी मिलने वाला है, जो कि दोस्तों इस बार 30 W की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। और दोस्तों रेडमी ये दावा करती है कि ये फ़ोन आपका 66 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। तो यार ये बात तो बहुत बढ़िया होने वाली है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे मेन पॉइंट, यानी कि दोस्तों इस फ़ोन की प्राइसिंग की। तो यहाँ पे जो इसका बेस वेरिएंट होगा, यानी कि 464 GB वाले वेरिएंट, आपको 20,000 के बजट में मिलने वाला है। तो यार प्राइसिंग तो काफ़ी बढ़िया होने वाली है स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और वहीं पर दोस्तों बात करें इस फ़ोन के इंडियन लॉन्च डेट के बारे में, तो दोस्तों अभी तक इंडिया लॉन्च डेट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये फ़ोन आपको सन 2020 के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों ये फ़ोन आपको जनवरी में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये फ़ोन चाइना में लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों ये फ़ोन आपको डेफिनेटली जनवरी में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों फ़ोन तो बहुत ही कमाल का होने वाला है, और दोस्तों जो इसका कैमरा होगा बहुत ही कमाल का होगा। तो दोस्तों यही था रेडमी K30 के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये फ़ोन आपको कैसा लगा। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।